हाँ जी दोस्तों, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली फिल्म के बीच कॉमेडी का छौक लगने वाला है। दिल थाम के बैठना है और इंतजार करना है परसों यानी कि 28 जून का। एक फिल्म स्ट्रीम करने वाली है G5 पर। फिल्म का नाम होने वाला है रौतु का राज। इसके लिए वो करना क्या होगा, आपको G5 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिल्म को लीड कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दीपक नेगी। एक क्लीवर, एक टैलेंटेड, एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर क्या सस्पेक्ट को पकड़ पाता है। एक ऐसे गांव में चला जाता है वो, जो कि गांव पूरा का पूरा आलसी है, जहां पे 15 साल तक कोई मर्डर हुआ ही नहीं है। फिर अचानक ये मर्डर कैसा, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और वहां के गांव के सारे लोग पूरी तरह से आलसी हैं। अब क्या एक स्मार्ट ऑफिसर सस्पेक्ट को पकड़ पाएगा या फिर खुद उस गांव वालों के रंग में ढल जाएगा। क्या उसका इन्वेस्टिगेशन ये एक चैलेंजिंग होने वाला है, उसके लिए साबित होने वाला है चैलेंजिंग, या फिर क्या होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। फिल्म कमाल की होने वाली है और बहुत अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। फिल्म की स्टोरी जिस तरह से चलेगी, सस्पेंस जैसे ही क्रिएट होना शुरू होगा, फिर बीच में कॉमेडी का छौक लग जाएगा, आप बिल्कुल इसको एंजॉय करने वाले हैं। ये मंथ का एंड आपका बहुत बेहतरीन गुजरने वाला है और ये वीकेंड भी बहुत बेहतरीन गुजरने वाला है। बिल्कुल आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 मिनट 42 सेकंड का ट्रेलर है, सबसे पहले पूरे ट्रेलर को देखिए, आपको वहीं से आनंद आना शुरू हो जाएगा और फिर 2 दिन की बात है फिल्म को देखना है। इस साल की ये तीसरी मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म होने वाली है। पहली फिल्म थी मर्डर मुबारक, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे पंकज त्रिपाठी। वहीं ये फिल्म जो थी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। वहीं दूसरी फिल्म G5 पर रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हाउस ऑफ लाइज, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे संजय कपूर। वहीं तीसरी फिल्म G5 के सब्सक्रिप्शन वाले पर रिलीज हो रहा है रौतु का राज। ये जो फिल्म है, इसका नाम रौतु की बेली होने वाली थी गाँव के नाम पर ही, लेकिन इस फिल्म का नाम रौतु का राज रखा गया। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म के बारे में ये भी कहा है कि IFFI के ग्रैंड प्रीमियर में इस फिल्म को दिखाया गया था पिछले साल भी, और बहुत ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स बेटर मिला था। तो फिर ये जो फिल्म है G5 पर 190 देशों में रिलीज होने वाला है। तो फिल्म स्टोरी कमाल की है। अब जब एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तो इसके बारे में कुछ कहना तो गलत ही होगा। बस आँख बंद करके आपको इंतज़ार करना है फिल्म देखने के लिए। फिलहाल ट्रेलर को देखिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको ट्रेलर। 2 मिनट 42 सेकंड का ट्रेलर है, मज़ा आएगा और बिल्कुल मज़ा आने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई और फिल्म ट्रेलर टीजर वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ।